आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मकर संक्रांति पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से श्रद्धालुओं को किया जाएगा जागरूक, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता का शासनादेश मिला। फर्जी पीड़ित छात्रों ने प्रबंधक अभिषेक यादव के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। किया मांग, कहा अन्यत्र किया जाए उन्हें ट्रांसफर या कॉलेज प्रशासन से दिलाया जाए प्रति छात्र को 10 लाख का मुआवजा। मकर संक्रांति पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी व एसएसपी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से मंदिर की सुरक्षा की जांच। श्रद्धालुओं को मंदिर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 जनवरी से होने वाले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों का प्रिकॉशन डोज टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगाने आए लोगों ने सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगवाने से अपने आप को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं सुरक्षित। दो पशु तस्करों को असलहे के साथ खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 गाय लदे पिकअप सहित 1 तमंचा, 315 बोर व 1 दर्जन जिंदा कारतूस, 315 बोर किया बरामद, भेजा जेल। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 303 केंद्रों पर 37,066 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 25,281 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 11,785 लोग रहे शामिल। एसएमओ ने कहा, सभी लोग करवा लें वैक्सीनेशन ताकि बच सकें कोविड की तीसरी लहर से। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 219 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 805। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किए जाने पर जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पर एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस घोषित कर सिख समाज को दिया है बहुत ही बड़ा गिफ्ट। पीएम मोदी एवं सीएम योगी को दिया धन्यवाद एवं व्यक्त किया आभार।